हे दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर हाजिर भाई। आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेके और शुरू करते हैं आज की क्लास। कहते हैं पहला क्वेश्चन जो कि चर्चा का विषय है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो आपका चर्चा में गई आज, और वो आपको सबको पता कौन सा चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। पहला ही क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो जरूरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो यह आज आपका आज मनाया जा रहा है। इससे जुड़े 3-4-5 क्वेश्चन रहेंगे भाई, जो कि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जो आपके मोदी साहब हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बन रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात रहती है अंतर्राष्ट्रीय, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन कराया था कि कहां से जापान से लेकर के जो सूर्योदय का देश था और न्यूजीलैंड तक की मैंने यहां पर बात करी थी, तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर यह किया गया। चलिए भाई आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की। तो सबसे पहले बात आती है, यह कौन से नंबर का है? यह आपका 8वें नंबर का है भाई, 8वें नंबर का योग दिवस है भाई। योग दिवस कैसे नंबर का है आपका? ये 8वें नंबर का योग दिवस है। दूसरी बात, फिर पहले नंबर का योग दिवस यानी कि सबसे पहले कब मनाया गया? तो ये आपका 21 जून 2015 को ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब करी गई थी? तो ये 2014 में क्या किया गया था भाई? घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो कब करी गई थी? 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। पहली बार मनाया कब गया आपका ये? तो जून 2015 में मनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अब कौन से नंबर का आपका? तो ये अब 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका यहां पर ये है भाई। चलिए अब प्रधानमंत्री मोदी साहब कहां प्रोग्राम में या पूछे भारत में कहां पर मनाया जा रहा है? तो जहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब है वो कहां पर? मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब की बात करूं तो मैसूर के अंदर भाई, मैसूर के अंदर कहां पर? मैसूर, और मैसूर कहां पर आपका भाई? कर्नाटक के अंदर। आज कर्नाटक का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में किसने हिस्सा लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वहां पर योग किया। अब मैसूर से अगर हम बात करें, मैसूर से याद रखना भाई, कर्नाटक में मैसूर ये देश का पहला स्वच्छ शहर था। देश का पहला स्वच्छ शहर था ये आपका क्या? मैसूर। इसके बाद लगातार आपका कौन बनता रहा? इंदौर लगातार स्वच्छ शहर बनता रहा, इंदौर, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है किसके भी? योग दिवस की। जिस प्रकार से आज के दिन की बात करें तो सबसे लंबा दिन भी आज ही का आपका भी, जिस प्रकार से लंबी आयु की कामना हम किसके सारे कर सकते हैं? योग के सारे कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस लंबे दिन की आज यहां पर मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मनाया गया। फिर बात करता हूं कब मनाने की घोषणा करी थी, 2014 में इसकी घोषणा करी गई थी, 2015 में पहली बार मनाया गया था, और अब कौन से नंबर का? 8वें नंबर का है। और साथ में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब या भारत में योग का प्रोग्राम कहां पर हो रहा? मैसूर के अंदर, और मैसूर कर्नाटक और देश का पहला स्वच्छ शहर था, याद रखना भाई, ठीक है। और आज ये कहां से कहां तक? जापान से, जो जापान जहां सूर्य एक ही तिथि के अंदर, जापान से आपका न्यूजीलैंड तक, यानी कि जापान जो सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का जो देश है जिसे सूर्य उदय के देश के नाम से जाना जाता है, तो उस देश में इसका स्टार्ट किया गया था, यानी कि कह सकते हैं सूर्योदय का देश से लेकर के और आपका जहां पर इस तिथि के अंदर सूर्योदय छुपेगा वहां तक के प्रोग्राम को क्या किया गया है? लाइव किया गया है सोशल मीडिया वगैरह पे, ठीक है। ये भी इस बार की खासियत है। ओके, थीम की बात करें तो मानवता के लिए योग, इस बार की थीम 2022 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 की थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या है भाई? ये है आपका मानवता के लिए योग भाई। क्या आपका ये? मानवता के लिए योग, ये है क्या आपकी थीम है? कब की थीम है? तो ये 2022 की। चलिए भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। सब आज क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का क्या ले सके भाई? फायदा ले सके, उन लोगों को फायदा हो सके, ये
बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जितनी ज्यादा आप क्लास को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए, तो किसी ने बोला है कि विद्या का जो दान है वो देने से घटता नहीं बढ़ता ही है, तो एक किस्म से आप ये विद्या का दान ही करें। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर वन। आज ही के दिन हम क्या मना रहे हैं, योग दिवस। आज ही सबसे लंबा दिन कह सकते हो आप लोग, और योग के सारे भी हम सोच कह सकते हैं। साथ में अभी जो प्रोग्राम था मैसूर के अंदर, यहाँ ये बताया गया कि योग के सारे ही कोरोना के लिए हमने कोरोना के प्रति क्या लड़ाई लड़ी है, योग के सारे, ऐसा भी बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो जो कि आपका चर्चा में, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, विश्व का सबसे आदर्श धाम। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये दो है, क्वेश्चन नंबर दो, विश्व का सबसे आदर या कह सकते हो आदर जो स्थान है चर्चा में है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन भी, विश्व का सबसे आदर स्थान। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, पहली बात तो ये कि विश्व का सबसे आदर स्थान है कौन सा, दूसरा क्वेश्चन ये कि वो चर्चा में क्यों है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए भी आपके, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये विश्व का सबसे आदर स्थान की अगर हम बात करते हैं, ये है आपका मासीन राम भाई। कौन सा स्थान है ये, विश्व का सबसे आदर स्थान या सबसे कह सकते हो आप नमी वाला स्थान आपका विश्व के अंदर सबसे स्थान है आपका, ये नमी वाला स्थान है मासीन राम। और ये मासीन राम आपका है का, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए बन जाता। चलिए इसकी बात करते हैं आपका, कहां पर आपका ये मेघालय में, कहां पर आपका ये मेघालय के अंदर है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर भाई, सबसे पहले पूछे विश्व का सबसे आदर्श स्थान या विश्व का सबसे जो नमी वाला स्थान है कौन सा आपका, मासीन राम है, ठीक है। कहां पर आपका ये मेघालय के अंदर है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जून में क्या कहां पर यहां पर भाई जून में इतनी वर्षा हुई है, जून में यहां बारिश ने क्या किया है, बारिश ने 83 साल, कितने साल का भाई, 83 वर्ष का, 83 वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। क्या क्या है, 83 वर्ष का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा है। तो कितनी बारिश हुई है भाई यहां पर, तो ये देखने वाली बात है आपकी। तो 17 जून 2022 को यहां, कब भाई, 17 जून आपका, 17 जून, शाबाश भाई शाबाश, क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 17 जून 2022 को, 17 जून 2022 को जो यहां पर जो आपकी अगर मैं बात करूं बारिश हुई है 1000 आपका 24 घंटे के अंदर 1003.6 मिलीमीटर वर्षा यहां पर हुई है भाई। कितनी वर्षा हुई है, 1003.6 मिलीमीटर जो वर्षा हुई है कहां पर आपकी, 17 जून को 24 घंटे में भाई, 24 घंटे में। याद रखने वाला क्वेश्चन है आपका, सबसे आदर्श भूमि अगर पूछे विश्व की सबसे आदर्श भूमि तो मासीन राम है, नमी वाला स्थान पूछे मेघालय के अंदर है, जून में यहां पर क्या है बारिश 83 वर्ष का यहां पर रिकॉर्ड रहा है जो कि इसने ब्रेक किया, 17 जून 2022 को ये कह सकते हो आप जून का जो रिकॉर्ड टूटा है 83 वर्ष का। अब इससे पहले ज्यादा बारिश कब हुई थी, तो अब इससे पहले अगर ज्यादा बारिश की बात करूं तो मैं 1966 में, जून 1966 में सबसे अधिक बारिश हुई थी, जून 1966 में सबसे अधिक बारिश हुई थी भाई। बारिश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक कितनी वर्ष कितनी हुई थी भाई आपकी, ये 954.4 मिलीमीटर की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है, 1954। और ये मेघालय में स्थित है, ये शानदार क्वेश्चन आपका। और साथ ही ये नमी वाले स्थान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर, गिनीज बुक में क्या है इसका वर्ड, जो गिनीज वर्ल्ड बुक है इसके अंदर इसका इसमें इसमें इसका क्या भी इसका नाम दर्ज है। याद रखना भाई इसका नाम दर्ज है, किसका नाम दर्ज है, तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग में। चलिए पर बात करते हैं विश्व का सबसे आदर्श स्थान की अगर हम बात करें तो मासीन राम है, नमी वाला स्थान है, मेघालय के अंदर है। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि जून में यहां पर बारिश ने 83 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा, 17 जून 2022 को यहां पर 1003.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है 24 घंटे के अंदर। 1966 में सबसे अधिक वर्षा हुई थी, कब, 1954 आप कह सकते हो 954.4 मिलीमीटर, गिनीज बुक के अंदर इसका नाम है। अब बात आती है मेघालय की राजधानी की बात करें तो ये क्या पर आपका भाई, शिलोंग, शिलोंग क्या मेघालय की राजधानी
राजधानी है, राजधानी और बात करें सुनो ये क्या अभी आपका सोवा भारत का सोवा स्मार्ट शहर है, यानी कि स्मार्ट शहर की अगर मैं बात करूं स्मार्ट शहर कौन सा सोवा स्मार्ट शहर है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हरियाणा जीके के बनते हैं आपके सीटी के हिसाब से। पहला ये कि हरियाणा का सबसे जो गीला स्थान है या वेटलैंड कह सकते हो या कह सकते हो आर्द्र भूमि कौन सी है, नंबर वन पहला आर्द्र भूमि भारत के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे हरियाणा के अंदर जो आर्द्र भूमि है वो कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में कितने स्मार्ट शहर स्थापित किए गए, ठीक है। चलिए सोवा आपका ये शहर है तो सो ही शहर स्थापित करने थे तो पहला कौन सा था, पहला आपका बड़ा इंपोर्टेंट बनता भाई भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है और ये भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भाई याद रखना। और भुवनेश्वर चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि 2023 के अंदर यहाँ पर क्या होने वाला भाई आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, किसका तो हॉकी का वर्ल्ड कप यहाँ पर होने वाला है, किसका वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का। इसके साथ और कौन सा उड़ीसा का भुवनेश्वर का जो कलिंग है कलिंग स्टेडियम पूछे ये पूछ लेगा आप लोगों से तो कलिंग स्टेडियम भी कहां पर आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करते हैं तो पहले उड़ीसा का नाम क्या था, कलिंग था, कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने अशोक चंद अशोक से धम अशोक बना था, ठीक है। हॉकी की बात करें और कौन सा भी आपका राउरकेला, भारत का राउरकेला सबसे बड़ा स्टेडियम, राउरकेला हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर पूछे, सबसे बड़ा स्टेडियम अगर पूछे तो क्या आपका राउरकेला कितनी क्षमता है 20,000 लोग यहां पर बैठ सकते हैं याद रखना भाई, ठीक है। अब बात आती है हॉकी की, जब थोड़ी सी बात आती है तो आन बान शान भारत की सबसे ज्यादा अब तक जो ओलंपिक के अंदर जो मेडल जीते हैं, ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल जीते किसने भाई आपके, तो सबसे ज्यादा हॉकी ने, हॉकी ने कितने मेडल जीत रखे टोटल 10 मेडल जीत रखे और इस बार भी हॉकी क्या अपना रिकॉर्ड तोड़ करके आई थी, 10 मेडल इसने किसमें जीते हैं, 8 गोल्ड जीत रखे हैं भाई, 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी ने। और 2021 के अंदर भी इन्होंने मेडल जीता था। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि हॉकी ने कौन सा मेडल जीता था, बात करी थी हमने कहां से विश्व का सबसे आदर स्थान, तो मसीनराम आपका जो नमी वाला स्थान है, सिलोंग सोवा स्मार्ट शहर आपका मेघालय की राजधानी है, जून में यहां बारिश 93 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा, 17 जून 2022 को 24 घंटे 1966 सबसे अधिक बारिश हुई थी उस समय 954.4 मिलीमीटर भाई, ठीक है। गिनीज बुक में इसका क्या है नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका बेहतरीन क्वेश्चन भाई, चलो शाबाश, क्लास को शेयर करते रहो भाई, क्लास को खुद नहीं ये नहीं देखना है कि मैं देख लूं, मैं सिलेक्शन करा लूं, सभी का सिलेक्शन होगा, सब यहां से टेस्ट क्लियर करके जाएंगे भाई अपना, ना सब अपने टारगेट को अचीव करेंगे, कोई बात नहीं। अभी 1-2 दिन से आपकी क्लासें नहीं चल रही है तो आप मायूस से नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में एक ही करते ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एकीकृत ट्रांजिट की बात करें हम, एकीकृत ट्रांजिट तो या भी इसको आप ये भी कह सकते हो, इसका उद्घाटन की बात करें तो पीएम मोदी द्वारा किया गया। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कब किया गया भाई, 19 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया, किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसे आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते, प्रगति मैदान, आप समझ गए होंगे, प्रगति जो मैदान है, प्रगति मैदान आपको इस नाम में भी मिल सकता है, मैदान इंटीग्रेटेड प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना भाई
ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता, चक्कर नहीं काटना भाई, ठीक है। इसका उद्घाटन की बात करें तो कहां पर पीएम मोदी ने आपका 19 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या रहेगा भाई, 1 लाख यात्रियों को यहां पर क्या है, इसके ऐसे ग्रुप में बहुप्रतीक्षित क्या हुआ क्या है, सीधा सा पूछ लेगा ये क्या है भाई आपका बहुप्रतीक्षित सुरंग वह 6 अंडरपास का उद्घाटन किया, वह 6 अंडरपास का उद्घाटन किया भाई। उद्घाटन पूछे क्या क्या इसने भाई, तो आपका सुरंग वे आपका 6 अंडरपास का यहां पर क्या क्या इसने उद्घाटन किया, जिससे क्या होगा 1 लाख यात्रियों को, 1 लाख जो यात्री हैं इनको फायदा मिलेगा भाई, यात्रियों को फायदा मिलने वाला, कितने को 1 लाख 6 को, यहां पर 1 लाख लोगों को आसान हो जाएगी यात्रा। इस कॉरिडोर के लिए लागत की बात करें तो लागत इस प्रगति की जो योजना है इसके लिए 920 जो आपका सीआर है ये यहां पर क्या इसकी लागत रहने वाली है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरी बात है आपसे पूछी ये योजना है किसकी, तो ये योजना की बात करें तो पूर्ण रूप से कह सकते हो आप, पूर्ण रूप से यह केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है, याद रखना भाई। पूर्ण रूप से किसकी योजना है ये, तो केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत बहुप्रतीक्षित सुरंग व 6 अंडरपास का उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे, किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी, ठीक है। चलिए भाई प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड इसकी लंबी जो कॉरिडोर है कितना लंबा भाई आपका, इसकी जो सुरंग है 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है, सुरंग की अगर हम बात करें तो 1.36 किलोमीटर आपकी क्या है सुरंग की, ये सुरंग की लंबाई है अगर पूछ ले आप लोगों से तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें दोनों तरफ 6 लेन 3 लेन का आपका कैरिज वे है, दोनों तरफ इसमें 6 लेन है, दोनों तरफ 3-3 लेन, यानी कि लाइन की अगर पूछे लाइन कितनी इसके अंदर, तो 6 लेन यानी कि 6 व्हीकल एक साथ इसके अंदर 3-3 क्रॉस कर सकते हैं। पुराना किला रोड और प्रगति मैदान के मध्य किसको जोड़ेगा ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जोड़ने वाली बात करें देखिए ये जो है जोड़ेगा किसको भाई, ये जो सुरंग किसको जोड़ेगी, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो पुराना जो किला रोड है पॉइंट पूछेगा तो रोड और आपका प्रगति मैदान प्लस में किसको आपका ये मध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से रिंग रोड प्लस आपका इंडिया गेट को जोड़ेगा भाई, किसको जोड़ेगा इंडिया गेट। चलिए इतनी चीजों को एक साथ जोड़ेगा जिससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा लोगों को, पुराना किला रोड प्रगति मैदान मध्य रिंग रोड से इंडिया गेट को ये आपका जो कॉरिडोर है ये जोड़ने वाला भाई, ठीक है। प्रगति मैदान की बेसमेंट पार्किंग सीधी बात यहां से ये इसके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए 5 मीटर चौड़ी और 80 मीटर लंबी आपातकालीन लेन का निर्माण भी इसके साथ साथ किया गया है। इसकी बात करें इस पर काम कब शुरू किया गया था, 2017 में भाई, 2017 में इस पर काम आरंभ किया गया था, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। चलिए एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन दिल्ली के अंदर किया गया है, पीएम मोदी ने 19 जून को किया है। आपका प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना बहुप्रतीक्षित सुरंग 6 अंडरपास का उद्घाटन, 1 लाख यात्रियों को फायदा, 920 करोड़ रुपए की परियोजना, 1.36 किलोमीटर का सुरंग बनाई गई है 6 लेन की, 2017 में इस पर काम हुआ था। पूर्ण रूप से हम ये केंद्र की योजना है, पुराना किला रोड प्रगति मैदान और रिंग रोड को आपस में क्या करें ये कनेक्टिविटी यहां पर प्रदान कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है, चर्चा में वही चीजें आपके बीच में आई जो आपके एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। बड़ा आत्मविश्लेषण किया जाता है, इनका विश्लेषण होता तब चीजें आपके बीच में आती है, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आ जाते, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो FATF चर्चा में फिर है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 FATF ने किस देश को सीधी सी बात करेंगे, किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया है, ये तगड़ा क्वेश्चन आपका बन जाता है,
ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, कौन सी लिस्ट में बरकरार रखा गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो ग्रे लिस्ट किस देश को, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, ग्रे लिस्ट बरकरार रखा है। सबसे पहले तो बात करें FATF क्या है और किस देश को, दो तीन क्वेश्चन बन गए, फिर ये लिस्ट क्या होती है ये भी यहां पर बात करते हुए, ठीक है, किस देश को बरकरार रखा, तीन चार क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या कह सकते हो आप, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भाई आपकी ये, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन जो आपकी टास्क फोर्स है ये अपनी क्या करता है, ये क्या करता है, जो जो देश यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग व दूसरा आतंकवादियों का वित्त पोषण इन चीजों पर ये क्या देता भाई, ध्यान देता है, यानी कि जो देश मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या किस दूसरे देश के साथ गेम खेला है, या तीसरी बात करें आतंकवादियों का वित्त पोषण कर रहा है यानी कि आतंकवादियों को बजट दे रहा है ताकि आतंकवाद फैलाया जा सके विश्व के अंदर, उसकी यहां पर ये बात कर रहा है। तो FATF जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो फोर्स है ये इस पर क्या करती है भाई, अपनी नजर रखती है हमेशा ही, ठीक है। चलिए आतंकी संगठनों को कह सकते हो, आतंकवादियों को कह सकते हो, निगरानी सूची में रखता है आपका, इस ग्रे लिस्ट को क्या कह सकते हो आप ये कि इस पर नजर रखता है, निगरानी सूची में रखता है, ठीक है। और पाकिस्तान को पहले ही इस सूची के अंदर डाला गया था कि वो आतंकवादी संगठनों को क्या कर रहा है, वित्त पोषण कर रहा है, इस बेस के ऊपर पाकिस्तान को इसके अंदर डाला गया था और अभी बना हुआ है, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित किया गया था आपका ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहां पर गठन किया गया था, ठीक है। चलिए एसटीएफ के मुताबिक सूची में किसी भी देश को हटाने का फैसला नहीं लिया गया है, इसने क्या बोला कि अभी जो देश इसके अंदर शामिल है अभी किसी भी देश को क्या किया गया है आपका, इस लिस्ट से हटाने की बात नहीं, निगरानी सूची से जो हटाने की बात नहीं की गई, तो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल नजर है, पाकिस्तान अपने पैर पीट रहा है कि मुझे अब यहां से बचाओ तुम, ठीक है। एफटीए की बात करते हैं तो स्थापना की अगर हम बात करते हैं एफटीए की, जो निगरानी रख रहा है आपका स्थापना इसका, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1989 में इसकी क्या की गई है स्थापना, शानदार क्वेश्चन है। साथ ही आप लोगों से पूछेगा इसका जो फाइनेंशियल एक्शन जो या वित्तीय जो कह सकते हो आप इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो पेरिस के अंदर भाई, पेरिस फ्रांस के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। उद्देश्य आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, उद्देश्य अगर पूछे तो उद्देश्य आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना भाई, वित्त पोषण को क्या करना है रोकना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। फिर एक बार समझना इस क्वेश्चन को, FATF जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, दुनिया के अंदर जो आतंकवादियों को क्या करते हैं, आतंकवादियों को पैसा देते हैं आतंकवादी संगठनों को, तो उसकी एक लिस्ट बना करके रखता है और उसके ऊपर फोकस रखता है, उसे किसी प्रकार की यहां पर क्या नहीं करता है, मदद नहीं होती है, आर्थिक मदद के लिए रोक टोक लगाता रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान का नाम है, निगरानी सूची के अंदर पाकिस्तान का नाम है, आतंकवादियों के वित्त पोषण के आधार पर उसका नाम आया था, अभी उसे निकाला नहीं गया है। स्थापना की बात करें 1989 में इसकी स्थापना पेरिस के अंदर है, उद्देश्य मैंने आप लोगों को बताई दिया, ये था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका काम आने वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों से बातें होती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका चर्चा में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हाल ही में आपका अनहात सिंह चर्चा में भाई, अनहात सिंह क्वेश्चन नंबर 5
चर्चा में है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अनहाथ सिंह चर्चा में है तो ये कौन है? सबसे पहले तो बात करते हैं अनहाथ सिंह चर्चा में कौन है। तो जैसे जिस प्रकार से आपका कल परसों हमने बात करी थी, किस पे? नीरज चोपड़ा पे बात करी थी, नीरज चोपड़ा पे चर्चा में, उसी प्रकार से आपके अनहाथ सिंह भी चर्चा में है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है भाई, खिलाड़ी है। क्या है ये? खिलाड़ी है, खेला खेलते हुए, ठीक है, शाबाश। खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं भाई? अभी हाल ही में चर्चा में क्यों हुए हैं? तो अनहाथ सिंह भारतीय खिलाड़ी अनहाथ सिंह ने क्या किया, थाईलैंड के अंदर भाई इन्होंने क्या किया, थाईलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता हो रही थी, थाईलैंड में क्या किया इन्होंने, एक प्रतियोगिता जीती है थाईलैंड में इन्होंने, पटाया भी, थाईलैंड के कहां पर भाई, पटाया, पटाया में एक प्रतियोगिता हो रही है, पटाया में, पटाया में कौन सी प्रतियोगिता हो रही है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो क्या खेलते हैं आपके ये, तो इन्होंने किस प्रतियोगिता की अगर बात करूं तो मैं देखिए प्रतियोगिता की बात करूं, प्रतियोगिता तो एशियाई चैंपियनशिप है, एशियाई जूनियर, एशियाई जूनियर स्क्वैश, स्क्वैश जो चैंपियनशिप है आपकी, स्क्वैश चैंपियनशिप, में क्या क्या इन्होंने अंडर 15 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये चर्चा में भाई। 14 वर्ष अनाथ हैं, कितने वर्ष के हैं देखो, सबसे पहले बात आती अनाथ हैं क्या, तो ये खिलाड़ी क्या खेला इन्होंने, किस लिए चर्चा में आपके, तो ये थाईलैंड की पटाया के अंदर, पटाया के अंदर एक चैंपियनशिप हो रही है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन सा पदक जीता? गोल्ड मारा इन्होंने भाई, ठीक है, और अंडर 15 में। तो जो अनाथ है ये खुद कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के हैं भाई, 14 वर्ष की हैं ये, और इन्होंने ये मेडल जीता भाई, ठीक है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? तो कमांग एना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि उपविजेता कौन है इस खेल की, तो ये है आपके कमांग। आप समझ गए होंगे कमांग कहां है, हमारा जो पड़ोसी है उसकी इसने बदिया बैठा दी भाई, है ना, उसको क्या कर दिया, उसको ठिकाने लगा दिया। कमांग एना को हराया इन्होंने 3-0 से, 3-0 से हरा करके और अपनी जीत हासिल यहां पर करी है भाई। चलिए, ये साल के अंत में फ्रांस नैन्सी जूनियर विश्व जो आपका स्क्वैश चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की, नोट डाल के लिखेंगे, नोट लिखेंगे भाई, इस साल के अंत में यानी कि 2022 में ये आपका फ्रांस के नैन्सी, फ्रांस के नैन्सी में, नैन्सी में फ्रांस का जो नैन्सी में विश्व जूनियर स्क्वैश, विश्व जूनियर स्क्वैश स्क्वैश खेलने वाली खिलाड़ी होंगी भैया, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की, भारत का इसमें क्या करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की या आयु की खिलाड़ी रहेंगी अभी, ठीक है। चलिए बात करिए हमने भाई किसकी बात करिए, अनहाथ सिंह चर्चा में है, तो खिलाड़ी आपकी थाईलैंड पटाया के अंदर इन्होंने 14 वर्षीय ने इन्होंने अपना एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है, अंडर 15 ये 14 वर्ष की हैं, और ये स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने इतिहास रचा है। 2022 में फ्रांस के नैन्सी के अंदर एक जूनियर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप होने वाली, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम आयु की ये रहने वाली, इन्होंने हराया किसको है, तो ये कमांग जो एना है इनको हराया है इन्होंने, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बन जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर सिक्स वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, दुनिया का सबसे
कहां खोजा गया? जो चर्चा में है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहां खोजा गया जो कि आपका चर्चा में भी, दुनिया के सबसे बड़े पौधे की बात कर रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा वो कहां पर खोजा गया जो कि आपका चर्चा में है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां से बनने की संभावना है। चलिए बात करते हैं आप दुनिया के सबसे बड़े पौधे की, तो सबसे पहले इसका आंसर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पौधा खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा और वैज्ञानिकों ने इसे पौधे के बारे में बताया है, इस पौधे का नाम क्या लिखा है वो देखेंगे भाई, ठीक है। ये आपका पौधे का जो नाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा गया है, नाम इसका है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियस। दुनिया का सबसे बड़ा है इसलिए याद रखना है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस ये पौधा है जो दुनिया का यहां पर खोजा गया है, ठीक है भाई। चलो अब अगली बात करते हैं इसके ऊपर जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। एक प्रकार की रिबन वीट घास है, ये आपकी क्या है? नोट डाल के लिखेंगे, यह है एक प्रकार की आपकी रिबन वीट समुद्री घास है। रिबन वीट समुद्री घास है भाई, रिबनवीड समुद्री घास है ये, क्या आपकी एक प्रकार की रिबनवीड समुद्री घास है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा होने का इसने गौरव हासिल कर लिया है। ये माना जा रहा है कि आपका समुद्र तट पर कि 4500 वर्ष पूर्व किसी एकल बीज ये समुद्री घास उगी होगी भाई, 4500 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। उगा कहां पर है, स्थान की बात करें तो ये स्थान कहां पर है आपका भाई? शार्क खाड़ी। सीधा सा पूछे दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो घास के रूप में पाया गया है कहां पर? आपका शार्क खाड़ी के अंदर भाई। और ये एक विश्व धरोहर क्षेत्र है, ये आपका क्या है? विश्व धरोहर क्षेत्र भी है आपका, यहां पर आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा घास पाया गया है, ठीक है। यह पौधा बढ़ते 180 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को घेर चुका है, ये याद रखेंगे। अब यह पौधा क्या है, 180 किलोमीटर क्षेत्र को घेर चुका है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर बात आई थी किसकी भाई? घास की बात आई थी, ठीक है। दो तीन बात करेंगे आपकी घास को लेकर के, एक बार इसको रिवाइज करें। अच्छा क्वेश्चन भी, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहां पर खोजा गया था आपका? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नाम क्या? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस है। ये एक प्रकार की क्या है? रिबन वर्ड समुद्री घास आपकी। 4500 वर्ष पूर्व का माना जा रहा है, शार्क खाड़ी के अंदर पाया गया, 180 किलोमीटर का क्षेत्र इसने घेर लिया। अभी तक विश्व धरोहर क्षेत्र भी है आपका, शार्क खाड़ी के आपका विश्व धरोहर क्षेत्र भी है। अब जब बात आई है घास की, तो यहां पर एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला घास कौन सा भाई? विश्व में सबसे तेज गति से अगर बढ़ने वाले घास की बात करते हैं तो क्या आपका भाई? बांस। बांस भी आपका क्या है? घास की कैटेगरी में आता है भाई। विश्व का सबसे तेज गति से, विश्व का सबसे जो तेज गति है, तेज गति से बढ़ने वाला आपका क्या है? घास है। विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला आपका क्या? घास। ओके, इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड भी इसे कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना भाई, ग्रीन गोल्ड। साथ में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है, उसके बाद भारत में कहां पर भाई आपका? ये असम में पाया जाता है, याद रखना, कहां पर है? असम के अंदर, ठीक है। ग्रीन गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बांस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो चीन के अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला। एक यहां पे मेरे को ना एक चीज याद आती है जो हमने बांस से सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो एक लचीलापन भाई,
ठीक है। एक लचीलापन, यानी कि अगर हम जिंदगी के अंदर लचीलापन नहीं लेके रखते हैं तो हम हमारा वजूद कभी भी खत्म हो सकता है। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड तो नहीं, जितना भी एक मिनट के अंदर आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखिए एक बार क्या होता है कि समुद्र के पास एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा होता है और साथ में उसके एक छोटा सा, आप यही कह सकते हो कि आप बांस ही समझ सकते हो या बबूल समझ सकते हो, बबूल का पेड़ होता है। तो थोड़ी सी आवाज आती है तो पेड़ कभी इधर हो जाता कभी इधर हो जाता। कौन सा पेड़ है? बबूल वाला पेड़ है। लेकिन जो बड़ा पेड़ है वो उस पर हंसता है, बोलता देख मैं हजारों साल से यहां खड़ा हूं, मुझे कोई हवा हिला नहीं सकती, झुका नहीं सकती है, और मैं ऐसे कैसे खड़ा हूं। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बहुत बड़ी बारिश, तूफान के साथ सुनामी आती है, और जैसे पानी का बहाव आता तो वो पेड़, जो लचीला पेड़ था आपका, एक बार बिल्कुल फ्लैट हो जाता जमीन के साथ है। और उसके बाद वो जो पेड़ खड़ा होता, जो हजारों साल से जिसकी जड़ें बहुत नीचे गई ऐसे अकड़ के खड़ा होता है, तो क्या होता है वो खड़ा है इसलिए उसको क्या किया, पानी की जो बहाव ने उसको पटक दिया, बहुत तेज बहाव था, उसकी जड़ें उखाड़ दी। अब जैसे पानी का बहाव खत्म होता है, प्रेशर खत्म होता है, पानी खत्म होता है, उसके बाद फिर वो बबूल का पेड़ खड़ा होकर उसके ऊपर हंसता, बोलता देख तू रोज मेरे ऊपर हंसता था कि तू, तेरा क्या वजूद है, कभी तू इधर कभी तू उधर, थोड़ी सी हवा के झोंके चल जाता है। तब उसने बोला देख अगर मेरा वजूद कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसा था वैसा मैंने मेरा वजूद बचाया है, जैसा था वैसा मैंने मेरे वजूद बचाया, तेरा वजूद कहां है, तू तो खत्म हो गया, अब तेरा वजूद ही नहीं रहा। मेरा वजूद तो है, अब तेरा वजूद भी खत्म नहीं रहा। तो इस दुनिया के अंदर जो अकड़ के खड़े रहते हैं ना, अकड़ के खड़े रहते हैं कि नहीं मुझे तो हेमंत सर से नफरत है, मैंने तो हेमंत सर की क्लास देखनी ही नहीं है, मुझे कितना ही अच्छा कंटेंट आ जाए, मुझे हेमंत सर की शक्ल पसंद ही नहीं है, वो एक अकड़न वाली बात होगी। ठीक है, चलो उसको क्लास से नहीं मैच करूंगा, बट मैं बता रहा हूं जिंदगी के अंदर कभी भी अकड़ना नहीं है, झुकते हुए हैं जो कुछ रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वजूद की बात हुई, तो अब जो आपका वजूद बबूल का पेड़, जो लचीला पेड़ है, वो आपका बचाई देता। दूसरी स्टोरी ये आती है कि जब इस बांस को बोया जाता है तो कुछ दिनों तक इसका पता ही नहीं लगता कि कहां है, कुछ दिन तक इसका पता ही नहीं लगता कि ये है का। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो चार दिन के अंदर 40 फीट, मतलब 40 फीट तो नहीं बट ये इतना कि इतनी तेज गति से बढ़ता है कि लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या था। यानी कि सबसे पहले आपको जमीन के अंदर घुस के मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बिल्कुल आपको डूब जाना अपनी मेहनत में, किसी को यही पता नहीं लगना चाहिए कि कौन फलाना नाम का बंदा किसी पेपर की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तब बांस की तरह एक ही दिन में आप टॉप पे होंगे, एक ही दिन में आप उस ऊंचाई पे होंगे जहां पे लोग जाना चाहते हैं। तो बांस की तरह बनो, लचीला बनो और अपने आप को जमीन दोज करके मेहनत करो। सफलता मेहनत इस तरीके से करो, शांति के साथ करो कि सफलता अपने आप ऑटो सिस्टम से ढोल बजाएगी। ठीक है, मत किसी को ये बोलो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिंगा। अरे जो कुछ करेगा वो चुपचाप रहेगा, साइलेंट मेहनत करो आप, उसके बाद सफलता अपने आप डमरू बजाती है, अपने आप ढोल बजाती है। ठीक है, चलिए यहां पर पूछा जाता है आप लोगों से डमरू का जवाब, हरियाणा क्वेश्चन, हरियाणा जीके का क्वेश्चन आता है कि डमरू किस प्रकार का वाद्य अंतर है। ठीक है, चलिए भाई ये था आपका क्या, दुनिया के घास के, हाँ एक घास है जिस घास को खा करके हम जिंदा रहते हैं, कौन सा घास है जिसे खा करके हम जिंदा रहते हैं, तो वो गेहूं। साइंटिस्ट इसे भी गेहूं मानते, किस वंश से संबंधित मानते इसे, या क्या कहते हैं कि मूल रूप से ये भी आपका क्या है, गेहूं भी आपका क्या भाई, एक घास है, ये घास कुल का पौधा है। क्या बोलते हैं गेहूं को, घास कुल का पौधा, घास कुल का पौधा माना है, किन्होंने माना भाई घास कुल का पौधा, तो साइंस ने इसे घास कुल का पौधा माना है। और कहां पर पाया गया था आपका, ये लेवांत क्षेत्र में, मूल रूप से कहां पर भाई आपका लेवांत जो क्षेत्र है उसे कह सकते हैं कि बेसिक रूप से ये वहां पर पाया गया है। ठीक है, और जगत पूछे, गेहूं की अगर हम बात करें तो जगत की अगर हम बात करते तो कौन से जगत से संबंध रखता है आपका, ये तो पादप जगत से ही क्या रखता है, संबंध रखता है, साइंस का क्वेश्चन। और साइंस का नाम क्या है इसका, तो गेहूं का साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो भाई आपका ट्री ट्यूकोम, ये आपका इसका क्या है, साइंस का नाम है। और भारत में गेहूं की पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की पैदावार की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है वो कौन आपका, चीन है, याद रखना। और दूसरे नंबर पर कौन आपका, भारत है भाई। ठीक है, और वैसे धान के कटोरे के नाम से किसको, यूक्रेन और रशिया को। तीसरे नंबर पर कौन आता आपका, रूस आता है। और चौथे नंबर पर आपका यूएसए आता है। कभी हम जब देश आजाद हुआ था हमारा, याद रखना, देश आजाद हुआ था तो हम यूएसए के गेहूं, हमें धमकी तक दी गई थी कि हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे। आज वही देश, भारत देश उसको पीछे छोड़ करके आगे पहुंच चुका है। चलिए बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया गया, पसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है। यह एक प्रकार का क्या आपका, रिबन वीड समुद्री घास है। ठीक है भाई, 4500 वर्ष पूर्व का माना
जाता खाड़ी क्षेत्र के अंदर, 180 किलोमीटर क्षेत्र को ये लगभग क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और उसी के साथ हम बात करते हैं विश्व का, आपका ध्रोर क्षेत्र भी है, सारी जो आपका सारा खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी थी बांस की, बांस आपका ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी घास की कैटेगरी में आता है, सबसे तेज गति से विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो घास है वो आपका कौन है, बांस है, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर, चीन में और भारत में, असम के अंदर यह पैदा होता है। साथ ही फिर हमने बात करी किसकी, जिसके ऊपर हम जिंदा रहते हैं, गेहूं भी आपका एक प्रकार का घास है, धान के बाद दूसरा नंबर गेहूं का है जिसमें भारत के लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसकी पूछे देश, तो लेवांत क्षेत्र जहां से ये पैदा हो, लेवांत क्षेत्र देशज कहा जा सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद दुनिया ने इसको बोना शुरू कर दिया। साथ ही हम बात करते हैं जगत, तो पादप जगत है इसका भी साइंटिफिक नेम की बात करें, ट्रिकोरम जो इसका साइंटिफिक नेम है भी, ठीक है। वंश की बात करें तो साइंस का इसका घास वंश कह सकते हो आप, ये इसका क्या था, गेहूं का संबंध था, सबसे ज्यादा गेहूं अगर चीन की बात करें चीन पैदा करता, दूसरी बात करते हैं हम और भारत पैदा करता, तीसरे नंबर पर आपका रशिया, चौथे नंबर पर आपका यूएसए क्या करता भाई, आपका गेहूं पैदा करता। बात यहाँ पे निर्यात की नहीं हो रही, डाउट नहीं करना कि सर निर्यात तो रूस और करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। पैदा की बात हो रही है क्योंकि हमारे पास जनसंख्या इतनी है कि जितना खाते हैं उसका 95% से ज्यादा हम यहीं पर खप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है, शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर पैदा होती है, फिर एक बात गेहूं का सबसे ज्यादा संघन क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा संघन क्षेत्र भारत में कहां पर पाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि गेहूं का हमने इस बार कितना निर्यात, तो मिस्र को हमने 10 लाख टन गेहूं की बात करी थी, याद रखना। ये भी सबसे ज्यादा गेहूं का आयातक की बात करते हैं, तो आयातक कौन आपका भाई, आय यानी कि जो लेने वाला गेहूं मिस्र ही है, और मिस्र की लाइफ लाइन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम है, स्विच पूछी नहर जिसे इस नाम से जाना जाता है। ये था आपका क्या ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में था, ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही था, अगले क्वेश्चन भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लेते हैं। चलिए दुनिया के किस संसद में, दुनिया के किस देश के संसद में हिजाब पहनकर आने वाली किस देश के संसद में हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम महिला फातिमा पेमान बनी है। सीधा सा पूछा किस देश के संसद में हिजाब पहन करके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किस देश के संसद में, नंबर वन। दूसरी बात है हिजाब पहनकर आने वाले भाई, हिजाब पहनकर आने वाली जो पहली क्या, तो आपको पता है हिजाब कौन पहनता है, मुस्लिम महिला पहनती है, क्योंकि पीछे हिजाब आपका बड़ा चर्चा में था, स्कूल की छात्राओं ने बोला था कि हम हिजाब पहन करके स्कूल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो वो भी बड़ा मतलब क्रिटिकल टाइम था देश का, और वर्तमान में भी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है किसकी, फातिमा पैमान ऐसी महिला बनी है जो आप संसद के अंदर पहुंची हैं हिजाब पहनकर, और वो हिजाब को बढ़ावा देने वाली बात करें, ठीक है। तो कहां की संसद है भाई, ऑस्ट्रेलिया के संसद में पहुंची हैं, ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, ठीक है। ओके, कहां की रहने वाली है ये, तो अफगानिस्तान भाई, अफगानिस्तान की रहने वाली है मूल रूप से, तो अफगानिस्तान की रहने वाली है, अफगानिस्तान से खास नाता है ये भी कह सकते हैं। पैमान 27 और सबसे कम उम्र की तीसरी महिला भी साथ में कह सकते हैं, पैमान है जो फातिमा पैमान है, ये कितने 27 ईयर ये है, और सीनेट के अंदर भाई, सीनेट जिस प्रकार से अपना संसद है, सीनेट जो सभा है, सीनेट के इतिहास में तीसरी सबसे कम उम्र की सीनेटर है ये, सीनेट के अंदर तीसरी यानी कि तीसरी, इनसे पहले दो और भी हैं, तीसरी सबसे कम उम्र की या आयु की सांसद हैं कह सकते हो आप, या सीनेट की मेंबर है या सीनेटर है, जो भी आप लोग समझें, जिसे भारत में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, सीनेटर भी कह सकते हो आप इनको, तीसरी सबसे। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या पहन के आई, अपना हिजाब पहन करके आई है, इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहां पर बात करते हैं, इन्होंने ये कहा भाई, मैं एक ऑस्ट्रेलियाई लिबरल सीनेटर हूं, लेबर सीनेटर हूं
हूं, बाद में ही सब कुछ हूं, बाद में ही। सबसे बड़ी बात क्या बोली है कि मैं सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियाई लिबरल सेनेटर हूं, उसके बाद मेरा धर्म धर्म जो भी है वो मेरा बाद में आता है। ठीक है, चलिए भाई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, इसने कहा है कि इसलिए नहीं पहने कि इस्लाम फोबिया मीडिया में व्यापक है। ठीक है, चलिए इस्लाम फोबिया की बात करिए, ऐसा नहीं कि इस्लाम फोबिया से घर्षित होकर के इसने पहना, इसने ये बोला कि जो नई लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ है इतना था। ठीक है, अब थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो राजधानी की अगर मैं बात करूं, राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा भी क्या है, कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा ही है। सबसे बड़ा शहर भी आपका, सबसे जो बड़ा शहर है शहर वो कौन सा आपका, सिडनी, कौन है आपका, सिडनी। और सिडनी में ओलंपिक 2008 में, शायद सिडनी में ओलंपिक हुए थे, तो किस महिला ने भारत की, या सिडनी के अंदर किस महिला ने भारत की, भारतीय महिला ने या किसने ओलंपिक में पदक आए थे भाई, सिडनी में, सिडनी से हमने ओलंपिक के अंदर क्वेश्चन है, ओलंपिक में कितने पदक जीते थे, सिडनी ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा शानदार है। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, तो ऑस्ट्रेलियाई क्या है, डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है, मुद्रा यहाँ की क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज। पीएम साहब कौन है यहाँ के, एंथनी एल्बनीज, ये पीएम है। और याद रखना है, ये पीएम प्रधानमंत्री बनने से पहले भी ये भारत की क्या करके थे भाई, यात्रा ही करके गए थे 2020 में, इन्होंने 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश भी दिया ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। सिडनी की भी बात हुई है, कैनबरा की भी बात हुई है, सबसे बड़ा शहर आपका, साथ में यहाँ पर आपकी ये जो अफगी फातिमा पेमान है 27 ईयर की, इन्होंने एक अभी चर्चा मिली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा जा सकता है, ये 7 था आपका क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका चर्चा का विषय है जिसके ऊपर हमने बात करने वाले हैं। ऑपरेशन संकल्प, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑपरेशन संकल्प चर्चा में भी, ऑपरेशन संकल्प चर्चा में है। ऑपरेशन संकल्प चर्चा में है, तो ये कौन कर रहा है ऑपरेशन संकल्प की अगर हम बात करें, तो भारत की नेवी कर रही है भैया ना, भारत की नेवी यहां पर क्या कर रही है, ऑपरेशन संकल्प, ये आपका युद्ध अभ्यास है। सबसे पहले बात करें कि आपका ये युद्ध अभ्यास है भाई, और इस युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा है भाई, ऑपरेशन संकल्प का संबंध की बात करें तो कहां पर हो रहा है आपका ये, तो ये फारस की खाड़ी में भाई, फारस की जो खाड़ी है, इस खाड़ी में आपका ये ऑपरेशन हो रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है। समुद्र हितों की रक्षा है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य तो समुद्री जो हित है, हितों की रक्षा हेतु, रक्षा हेतु ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। कौन कर रहा है इसको, तो इंडियन नेवी, नेवी नेवी कर रही है इसको। ठीक है भाई, जो आपका ऑपरेशन श्रृंखला, इसमें भाग कौन ले रहा है आपका भाई, INS तलवार, तो फारस की खाड़ी में किसे भेजा गया है, तो INS जो तलवार है इसे भेजा गया है। याद रखना, ये हमारा क्या है, विमान वाहक युद्ध पोत कह सकते हो, INS तलवार इसके अंदर क्या ले रहा है आपका, भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, कब से आरंभ हुआ है आपका, 19 जून 2022 से आपका ये आरंभ हुआ, 19 जून 2022 से इसका क्या किया गया है, आरंभ किया गया है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, एक और यहां पे लिख सकते हैं, होमरू जल डबरू के मध्य है, एक और उद्देश्य लिखेंगे, होमरू सीधा पूछ देगा, होमरुज जो जल होमरुज जल डबरू है, जल डबरू के मध्य जो भारत के जहाज गुजरते हैं, भारत के जो जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना, जहाजों को, किसके जहाजों को, भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना, ये देश का उद्देश्य है, या सुरक्षित भारत के जहाजों को यहां से निकालना, ये भी क्या आपका उद्देश्य यहां पर रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन था, तो पूछ लेगा आप लोगों से ऑपरेशन संकल्प, तो ये भी मालूम चाहिए, फारस की खाड़ी के अंदर हुआ आपका भाई, INS तलवार ने इसके अंदर हिस्सा लिया, भारतीय नेवी है, उद्देश्य जो आपका होमरुज जल डमरू उसमें क्या करना है, उन्हें सुरक्षित वहां से निकालना भी, ये भी आपका
हिस्सा बनता है, ठीक है। अगला भी आपका खाजगुड़ा हिल्स, क्वेश्चन नंबर आपका 9, खाजगुड़ा हिल्स भी आपका खाजा गुड़ा हिल्स चर्चा में है, इनका संबंध कहां से है? सबसे पहले तो बात है खाजागुड़ा हिल्स जो आपकी, देखिए ये आपकी 2500 मिलियन पुरानी चट्टानें यहां पर हैं, इसके संबंध की बात करते हैं, सीधा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां पर ये बन जाता है। खाजागुड़ा जो हिल्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद से इनका संबंध रहा है। यहां पर ये क्या है भाई, चट्टानों का समूह है, चट्टानों का समूह है। किस प्रकार की चट्टानों का समूह है, क्यों इतनी चर्चा में है? तो ये जो चट्टानें आपकी 2500 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, तो फिर चर्चा में क्यों हुई? आपकी चर्चा में इसलिए कि आप इन चट्टानों को तोड़ करके, किन्हें तोड़ करके, जो खाजागुड़ा हिल्स है इन्हें तोड़ करके, इनको तोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं, जो कि चर्चा में है आपके, ठीक है। अब थोड़ी सी बात आती है, तो इतनी पुरानी चट्टानों को तोड़ के घर क्यों बनाए जा रहे हैं आपके हैदराबाद के अंदर? हैदराबाद की बात करें तो इसे भारत में कब मिलाया गया था, 1948 में। इसे किस ऑपरेशन पुलिस के द्वारा, इसे मिलाया गया था? सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो सानिया मिर्जा का जन्म कहीं और होता है, लेकिन वो कहां पर, हैदराबाद में क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, ये भी ध्यान यहां पर रखेंगे। हैदराबाद के पास एक आपकी जीयर एकेडमी है, जीयर एकेडमी, जहां पर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की, संत रामानुजाचार्य हैं, इनकी लेटी हुई मुद्रा में क्या बनाई है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति लगाई गई है। या मूर्ति की बात करें तो संत रामानुजाचार्य की, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया। किसे नाम दिया गया, तो ये आपके बीच में। तो खवाजा गुड़ा क्या है, जो चट्टानों का एक समूह, उसे खवाजा गुड़ा कहा गया है। ये आपके 2000 वर्ष पुरानी है, चर्चा में वर्तमान में इसलिए है, ये खबरों में खबर के, इनको तोड़ करके भी मकान बनाए जा रहे हैं, कहां पर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा में है। अगला क्वेश्चन भी आपका वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना, चर्चा में है भाई, वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका संबंध है, चर्चा में इसका संबंध किससे रहा भाई, इसका जो संबंध है किससे है, किस देश से है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका संबंध किससे भाई, नेपाल से है। और अब भारत इनका क्या करने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, नेपाल से है, नेपाल से भारत इन परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगा। अब क्या करने वाला है भारत इन परियोजनाओं का, अधिग्रहण करने वाला, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, ठीक है, ओके। ये है क्या भाई, भारत में एनएचपीसी ने इस परियोजना पर कार्रवाई शुरू कर दी है, नेशनल जो आपकी एनएचपीसी ने इन परियोजनाओं पर पावर कॉरपोरेशन जो आपका इन परियोजनाओं पर काम करना आरंभ किया भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इसमें नेपाल में क्या भाई, 6000 नदियों पर आपका 83 मेगावाट की अनुमानित क्षमता प्रदान करता बिजली की, कितनी, 83,000 मेगावाट
यहाँ पर क्या बिजली पैदा करी जाएगी, ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो क्या भाई आपका काठमांडू है, हिंदू राष्ट्र है, आपको पता है हिंदू राष्ट्र है भाई, ठीक है। नेपाल की तरफ से कहां पर आपका एवरेस्ट पे चढ़ा जाता, उन्हें क्या बोला जाता है, शेरपा, शेरपा बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। काठ एक क्वेश्चन भी आपका बड़ा शानदार सा, काठमांडू की बात हुई है, नेपाल की बात हुई है, शेरपा की बात हुई है, आपकी वेस्ट क्षितिजल विद्युत परियोजना की बात हुई जिसे भारत अधिग्रहण करने वाला है, एनएचपीसी ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, 6000 नदियों पर क्या 83000 मेगावाट की यहां पर बात हो रही है। दूसरी बात ये कि नेपाल हमारी यूपीआई क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, हमारे नेपाल क्या कर रहा है, यूपीआई यूज कर रहा है, करने वाला देश भी आपका नेपाल भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, यूएई भी है, हमारे जो कि यूपीआई आपका यूज कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अब जो क्वेश्चन था वो ये था कि नेपाल के अंदर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर आपका नेपाल के काठमांडू में है, जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट्स करके, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, चूंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका चर्चा का विषय है, यहां पर बात करेंगे हम उसके ऊपर भी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव चर्चा में है। सबसे पहले तो ये कि ये कहां पर भाई, तो आपका विशाखापट्टनम में चल रही है, विशाखापट्टनम के अंदर है ये, क्या आपकी बंदरगाह है, क्या आपकी बंदरगाह है, ठीक है। इसके अंदर भाई किसने, ये आपका 3 दिवसीय आयोजन है यहां पर भाई, ठीक है, ओके, क्या है भाई यहां पर किसने भाग लिया इसमें अंदर, तो सिक्किम की है आपकी, सिक्किम की लेप्चा जनजाति, सीधा सा पूछेगा लेप्चा जनजाति, जनजाति का संबंध किससे, 200% क्वेश्चन बनेगा आपका भाई, याद रखना लेप्चा, ठीक है। इसका संबंध कहां से, सिक्किम का, इसने भी भाग लिया है साथ में, छत्तीसगढ़ की कौन है, मारिया जनजाति, फेमस जाति भाई, मारिया जनजाति की आपकी ये छत्तीसगढ़ की जनजाति, और भी कुछ जनजातियों ने छत्तीसगढ़ और भी जनजातियों ने क्या लिया इसके अंदर है, हिस्सा लिया, कहां पर हुआ ये आपका, तो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव हुआ आपका भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या है, आदिवासी और उनके नृत्य एवं स्वदेशी नृत्य संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना भाई, आदिवासी और उनके नृत्य एवं स्वदेशी नृत्य एवं स्वदेशी जो नृत्य हैं, नृत्य को संरक्षण प्रदान करना में प्रदान करना ये उद्देश्य यहां पर रहा है, ठीक है। चलिए शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, तो विशाखापट्टनम की आपकी बंदरगाह। अब दूसरी एक बात करते हैं बंदरगाह की, आपने सुना होगा कापक डाबू बड़ा चर्चा में रहता भाई, कापक जो डाबू जगह है ये आपकी कहां पर है, कापक डाबू की बात करें तो ये आपकी कहां पर है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका, चाहिए आप इसे पॉलिटिकल भी समझ सकते हैं, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, कहां पर आपका ये कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह कहां पर है आपकी, ये केरल के अंदर ही आपको पता है, ठीक है। कालीकट बंदरगाह की बात करें तो कापक डाबू नामक जगह पर कौन व्यक्ति पहुंचा था आपका, तो वास्कोडी गामा, जिसने आपका क्या आधुनिक समय में भारत की क्या करी थी, भारत के नए रास्ते से, भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज करी थी, कौन सा रास्ता, कैप ऑफ गुड हाफ कह सकते हो, तूफानी द्वीप कह सकते हो, उत्तर मासा अंतरिक्ष कह सकते हो, इनका चक्कर काटते हुए बंदर कहां पर पहुंचा था आपका, कापक डाबू नामक जगह पर, और कापक डाबू का कौन से बंदरगाह पर है, कालीकट बंदरगाह पर है। जब बंदरगाह की बात चल रही तो एक और आपका लोथल बंदरगाह, लोथल
इसका संबंध कहां से है? हड़प्पा सभ्यता से भाई, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता से कह सकते हो, सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन से इसका क्या है संबंध है? लोथल, लोथल जो आपका ये पतनीय बंदरगाह, पतनीय बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? पतनीय बंदरगाह कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की पतनीय बंदरगाह। और आपसे पूछे कि अभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बंदरगाह का रेनोवेशन का, या कह सकते हैं उसका दोबारा से उसको एक किस्म से ये कह सकते हैं दोबारा से आना जाना कहां से शुरू करने वाले हम, लोथल का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है, विकास यानी कि है कहां पर आपका ये? गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर, कहां पर आपका ये? गुजरात के अंदर लोथल। और इसे क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता की पतनीय बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। विश्व की सूखी गोदी भी इसे ही कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता क्या? गुजरात का। ठीक है, हमने यहां पर महोत्सव की बात करी, जनजातियों की बात करी। जनजातियों की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना आपका जनजातियों की लोकसभा के अंदर सीटें रिजर्व है कितनी? 47 जो सीटें हैं जनजाति एसटी के लिए, क्या आपकी एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में कितनी सीटें रिजर्व है या आरक्षण है, ये मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि श्रीमान राज्यसभा में इतनी सीटें आरक्षित की गई है किसके लिए भाई? एसटी के लिए। ये शानदार क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम कब करेंगे? अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम है ये ओवर होता जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई क्लास को शेयर कर दिया करो, शाबाश। बहुत कम लोग देख रहे हैं क्लास को भाई, कभी ये ना हो कि समय निकल जाए पछताना पड़ जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, जो दिल में आए वो करिए।